खबर बिजनौर से। घायल अवस्था में मिला युवक। 5 दिन पूर्व दिल्ली से लौटा युवक जिगर कॉलोनी स्थित कब्रिस्तान में घायल अवस्था में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे CHC में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया। दरअसल ये पूरा मामला जिला बिजनौर के नहटौर के मोहल्ला जिगर कॉलोनी का है। कब्रिस्तान में एक युवक लहूलुहान अवस्था में पड़ा था। लोगों ने पास जाकर देखा तो उसकी पहचान मोहल्ला मूल वियान निवासी राशिद पुत्र रफन 30 साल के रूप में हुई। किसी ने उसके गले पर धारदार हथियार से वार कर जान से मारने का प्रयास किया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को CHC में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए बिजनौर रेफर किया। बताया जा रहा राशिद दिल्ली में नाई की दुकान चलाता है और वो 5 दिन पहले अपने घर आया था। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया घायल अवस्था में मिले युवक के गर्दन पर भी चाकू के निशान है, जिसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है। जांच की जा रही है। राशिद नाम का 26 वर्षीय युवक बैरम नगर में घायल अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने जांच पड़ताल किया, देखा, हॉस्पिटल ले गई तो ज्ञात हुआ कि इसको स्वयं या किसी ने उसके हाथ में गले में ब्लेड से एक चोट का निशान पहुंचाया है। बेहतर उपचार के लिए परिजनों के अनुरोध पर उसे मुरादाबाद रेफर किया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम का जाँच पड़ताल किया जा रहा है। फिलहाल रंजिश का कोई पता नहीं है। तदनुसार अग्रिम अभियोग पंजीकृत करके विधि कार्रवाई की जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए बिजनौर उत्तर प्रदेश से उस्मान मंसूरी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।